हमने तीन पैरा पहले वीडियो में पढ़े हैं, तीन पैसेज के क्वेश्चन आंसर। आज हम चार और पाँच और उसके अलावा जो शार्ट आंसर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेंचो सोवेट से लेके हिज आइडियाज़ तक का इसमें दिया गया है। तो पहला हमारा इसमें क्वेश्चन क्या निकलता है, डिड लेंचो शो एनी सरप्राइज, क्या लेंचो ने किसी प्रकार की उत्तेजना दिखाई थी। नो, लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, मतलब जब वो पैसे के लिए उनके पास जाता है और पैसे उसको मिलते हैं लिफाफे में तो क्या करता है, कुछ होता है नहीं होता है, वो आराम से रख लेता, जबकि कहता है कि इसमें मैंने 100 लिखे तो मुझे 70 ही मिले हैं। तो नो, लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, मतलब लेंचो किसी भी प्रकार की उत्तेजना को नहीं दिखाता है। वाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो गुस्सा क्यों हो जाता है, मतलब लेंचो क्यों गुस्सा, लेंचो बिकेम वेरी एंग्री बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पीसोस, केवल उसे 17 पैसे ही मिलते हैं। वाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो क्यों गुस्सा हो जाता है, लेंचो बिकेम वेरी एंग्री बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पीसोस, क्योंकि उसे सिर्फ 70 पैसे ही मिलते हैं, जबकि उसने कितने मांगे होते हैं, 100 मांगे होते हैं। वाई डिड लेंचो गो टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास खिड़की के पास क्यों जाता है, लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, इसलिए जाता है क्योंकि वो ईश्वर को फिर से पत्र लिखना चाहता है, इसीलिए वो पेपर और इंक के लिए विंडो के पास जाता है और मांगता है। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो व्हाइल राइटिंग द लेटर, लेंचो का एक्सप्रेशन क्या होता है जब वो पत्र लिख रहा होता है, जिस समय वो पत्र लिख रहा होता है तो क्या एक्सप्रेशन, लेंचो रिंकल्ड हिज ब्रो व्हाइल राइटिंग द लेटर, मतलब वो अपनी भौहों को क्या करता है, इधर उधर मोड़ता है, क्यों मोड़ता है, क्योंकि उसको लिखना सही तरीके से नहीं आता है, तो अपनी भौहों को इधर उधर मोड़ कर जोर देता है और तब वो उस पत्र को लिखता है। अब बेटा ये हो गया पहला जो हमारा फोर्थ पैरा था, अब फिफ्थ पैरे पे आते हैं। पैसेज हमारा क्या है, 5 नंबर, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो फिक्स द स्टैम्प, हाउ डिड लेंचो फिक्स द स्टैम्प, लेंचो कैसे स्टैम्प को चिपकाता है उसके ऊपर। लेंचो बॉट अ स्टैम्प, लेंचो एक स्टैम्प खरीदता, विच ही लाइक्ड एंड देन अफिक्स टू द इनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, क्या करता उस जो स्टैम्प है उसको अपनी जबान से वो चाटता है, एंड अफिक्स टू द इनवेलप और उस पत उसके ऊपर चिपकाता है, विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के की जो ताकत से मतलब चिपकाने के बाद उस पर मुक्का मारता है। हु वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स, कौन जाता है मेल बॉक्स खोलने, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स, तो आंसर क्या निकलेगा इसका कि पोस्ट मास्टर वेंट टू द ओपन मेल बॉक्स, पोस्ट मास्टर उस बॉक्स को खोलने के लिए जाता है। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट व्हेन लेंचो गॉट ओनली 70 पीसोस, लेंचो को कितने पैसे मिलते हैं, लेंचो को मिलते हैं 70 पैसे, जब वो उसको वो मिलता है मनी ऑर्डर तो उसमें देखता है कि सिर्फ 70 पैसे ही हैं। व्हाट डिड लेंचो कॉल टू द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस, लेंचो एम्प्लॉय जो होते हैं कार्यकर्ता होते हैं उस ऑफिस के, उनको क्या कहता है, लेंचो कॉल्ड अ बंच ऑफ क्रूक, कि ये मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, टू द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस, कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं यहाँ के कार्य करने वाले जो ऑफिस के लोग हैं वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, ये बात वो कहता है। तो बेटा अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि पैसेज हमने 5 करे हैं, 5 पैसेज समझ में आप लोग के आ गए होंगे। तो अब इसके बाद क्या नंबर आता है, इसके बाद हमारा नंबर आएगा किस पर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो शॉर्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई, मतलब जो पानी की बूंदें थीं उनको किस चीज़ से तुलना की गई थी और क्यों की गई थी। द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विद द न्यू कॉइन्स, जो पानी की बूंदें थे उन्हें नए सिक्कों के अनुसार क्या किया गया था, तुलना की गई थी। द रेन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज क्रॉप, जो बारिश थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज क्रॉप, उसकी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी, इसीलिए उसने क्या कहा था, जो पानी की बूंदें थे उन्हें नए सिक्कों के अनुसार उसने उनकी तुलना की थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रोमिस्ड अ गॉड गुड हार्वेस्ट, व्हाट प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब एक अच्छी फसल की का वादा क्यों किए, क्या था।
फ्रॉम हिज हाउस वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड, उसके घर से क्या दिखाई देता था, वन मतलब कोई भी देख सकता था रिवर नदी को एंड फील्ड और खेत को, अप राइप कॉर्न जो राइप कॉर्न डोटेड विथ फ्लावर्स की मतलब पके हुए कॉर्न मतलब भुट्टा जो होता है उसकी फसल के फूलों को देख सकता था, दैट ऑलवेज लेंचो प्रॉमिस्ड अ गुड हैव, इसीलिए वह हमेशा एक ये वादा करता था अपने आप से कि उसकी फसल जो है वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हाउ डिड लेंचो प्रिडिक्शन अबाउट रेन केम कम ट्रू, क्या हुआ जब बारिश हुई, बिकॉज हाँ उस अबाउट रेन केम कम ट्रू मतलब सत्यता मतलब असलियत में जब बारिश होने लगी, लेंचोज प्रिडिक्शन अबाउट रेन केम ट्रू मतलब उसकी बारिश जो हुई थी रेन कम ट्रू, जब उसने देखा था कि मौसम बना हुआ है पानी बरसने वाला तो वो बात उसकी सही हुई थी, बिकॉज ड्यूरिंग द मील टाइम खाना खाते समय बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और उस समय क्या हुआ जब वो खाना खा रहा था उस समय मील टाइम में बड़ी बड़ी बूंदों के साथ बारिश होने लगी। वाई वाज द लेंचो सोल फिल्ड विद सारो, लेंचो की आत्मा क्यों भर गई थी दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी, तो आप लोग ध्यान देंगे इस पर ध्यान से पढ़ेंगे, लेंचो सोल फिल्ड विद सारो, लेंचो की आत्मा दुख से इसलिए भर गई थी बिकॉज हिज ऑल क्रॉप्स वेर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टोन्स, उसकी आत्मा दुख से इसलिए भर गई थी बिकॉज हिज ऑल क्रॉप्स वेर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी पूरी डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट होना, उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी ड्यू टू हेलस्टोन्स मतलब जो उस पर ओले पड़े थे इनके कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, पूर्णतया जो थी उसकी फैमिली पूरी तरह से क्यों अपसेट नहीं थी, क्यों परेशान नहीं थी, उसकी फैमिली पूर्णतया क्यों नहीं परेशान थी, इसका आंसर ये होगा कि लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, लेंचो की पूर्णतया फैमिली इसलिए नहीं परेशान थी बिकॉज क्योंकि दे हैव फेथ इन गॉड, क्योंकि उन्हें ईश्वर में बहुत ही अत्यधिक विश्वास था, एंड दे न्यू और वे जानते थे दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर कि कोई भी भूख के कारण नहीं मरता है। फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, लेंचो का परिवार क्यों अपसेट नहीं था, लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, लेंचो की फैमिली पूर्णतया इसलिए नहीं अपसेट थी दे हैव फेथ इन गॉड, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर के प्रति बहुत ही ज़्यादा विश्वास था, एंड दे न्यू और वो जानते थे दैट कि नो वन डाइज ऑफ हंगर कि कोई भी भूख के कारण नहीं मरता, ये बात उनको पता थी इसीलिए उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ज़्यादा नहीं हुई थी, फसल नष्ट हो जाने के कारण भी उन्हें इतनी परेशानी नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई थी क्योंकि वो जानते थे कि ईश्वर ने अगर ऐसा किया है तो हमारा पेट जरूर भरेगा, उसे मतलब किसी भी प्रकार की ज़्यादा चिंता नहीं थी कि कोई भी अब भूख के कारण नहीं मरता है, क्योंकि ईश्वर ने अगर ऐसा किया है तो उसे खाने के लिए ज़रूर देगा। तो बेटा आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।